गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू लकी मी 24। कैसे हैं आप? मैं तो हूँ स्वस्थ और मस्त। तो कल हो गई वेडिंग रिसेप्शन और आज हम क्या कर रहे हैं, आज ये हमारे वेडिंग की आखिरी रस्म है जिसे कहते हैं पोस। अब पोस क्या होता है वो तो आपको डिटेल में मैं वहाँ चल के ही बताऊँगी, पर इस रस्म में थोड़ा सा रफ आइडिया दे देती हूँ कि इस रस्म में जो हमारे घर में ये नई बहू आई है, इसका ये पूरे खानदान से इंट्रोडक्शन होगा। और फिर जो हम सब लोगों ने मिलके 3 दिन शादी में काम किया है, तो वो हम गाना गा गा के दुल्हन और दूल्हे से बख्शिश मांगेंगे। और एक और रस्म है जिसमें कि क्या करते हैं कि जब कबड करने के लिए लड़का लड़की आते हैं, तब वहाँ पे एक बादाम का पैकेट छुपा देते हैं, ड्राई फ्रूट का, तो वो गर्ल लड़कियों को निकालना होता है। तो आज की रस्म में हम ये देखेंगे इंट्रोडक्शन। और आज के दिन में सबसे बड़ी बात, इस दिन वाओ फिश बनती है। मैं ऑफकोर्स नहीं खाती हूँ, तो मेरे लिए सुरमई बनाएंगे वो लोग, और वाओ फिश खिलाते हैं सबको। और एज यूजल नाच गाना चलेगा और फील्ड में ये फंक्शन में ले चलती हूँ थोड़ी ही देर में। चलो सो गाइज, हम हो गए हैं तैयार। और बताना भूल गए कि आज है मम्मी का बर्थडे। कैसे हंस रहे मम्मी? तो हे गाइस, वेलकम बैक टू मम्मी 24। अब आखिरी रस्म रह गई है शादी की, जिसे कहते हैं पोस की रस्म। पोस इसमें पूरी फैमिली आती है खाना खाने, ठूसने। तुम लोग कंफ्यूज कर दे रहे हो उसको। सो गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं हस्बैंड के घर पे। और अभी आज है जो रस्म है उसको कहते हैं पोस। और मैंने आज सिंपल अटायर पहना है। तो यहाँ पे खाना बना रही है बुआ। या तू हमारी किचन संभालते हुए और और चाहिए। और ये देखो, ये है लड़का शर्मिला। और अभी ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब पे मैंने देखा डांस भेजा है, पोस्ट वगैरह देख रहेगा। ओके, तो अभी हम लोग सब आ गए हैं। और ये देखो, ये है हैप्पी। चल सर कर। सो गाइस, मेरा बियर का ग्लास लग गया चिल ठंडा। मैं बैठी हूँ अपनी गैंग के साथ में। नवीन लग्न आणि आपली नवीन नवरी मिशेल। तो यहाँ पे बुआ ने कर दिया है मिशेल का इंट्रोडक्शन। और मिशेल को हार्दिक शुभकामनाएं सिरेजो फैमिली में, वेलकम। हम लोग तो बहुत खुश थे, तालियां बज रही थी, मज़ा आ रहा था। मेरी शादी के बाद ये सेकंड शादी थी, रोमन के बाद ये ऑस्टिन की शादी थी। तो मिशेल को इस अटायर में देख के और वेलकम करते हुए बड़ा मज़ा आ रहा था। अब बुआ ने उठा दिया ऑस्टिन को, और यहाँ पे एक सेरेमनी करनी थी जिसमें कि दोनों को एक दूसरे का नाम गाना गा के लेना था। और शायद ये दोनों गा रहे नहीं थे, आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझसे तो ज़बरदस्ती कराया गया था, इन्होंने करवाया था। और इनफैक्ट आप देखो तो रोमन भी डिफाई कर रहा है कि हाँ, सुनीता ने तो किया था। तो देखो, मैं आपको दिखाती हूँ मेरा शादी का वीडियो, मैंने कैसे गाना गाया था रोमन के लिए। पता था इसको भी लेना बोला। जिसने जीता मेरा मन, जिसकी हुई मैं तन मन धन, जिसकी हुई मैं तन मन धन, वो है मेरा रोमन। ओए काय घरामध्ये लासते तो बाईकला मदत लागली घर असं बोल 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 ओय आवाज आला बा वाकडे पडतील
व्यवस्थित आहे का? माझ्या प्रिय बंधू बघितली थोडी शेवट परत यायला लागेल तो ओय बस चालू आता ना चहा सीता गो सीता हा सीता ना चहा गीता सब जान जैसी जिसको मैंने चाहा वो है मेरी सुनीता उखाना इंग्लिश से इंग्लिश गाने गाने बोलो ना हो गया मैं बोल रहा हूँ दुकरा तू कह तेरी बोल रहा हूँ ना दुकरा हाइट वॉक भी नहीं हम तो हैं ब्रीफ सबर ही आला देने आला देने बोलना देने तो बोलना कह बोलने दुकरा ना कर वह आता क्या हो कैन के नंतर अपने ला बोलूँ दाखोना रहे खाले नंतर तर मलाट क्या अपन आपन तरह पुरे जाओ या तो जो तो मराठी समझ रहे हैं उनका तो ठीक है, पर जिनको नहीं समझ आ रही तो मैं बता देती हूँ कि अब चल रहे हैं ऑफकोर्स ये वो वैसे तो गा के नाम ले नहीं सके तो उन्होंने कहा कि बाद में करेंगे और अब ये हाथ में आ गई है लड्डू की थाली और सबसे पहला जो लड्डू दिया जाता है वो लड़की की सास को दिया जाता है। तो ये है लड़की लड़के की मम्मी दूल्हे की मम्मी और लड़की की सास। तो पहला लड्डू से इंट्रोडक्शन होता है, बाद में इनको एक वाइन का ग्लास दिया जाता है, ये आपके ऊपर है आपको पीना है कि नहीं पीना है, पर हाथ में लेके वापस रिटर्न करना पड़ता है। जैसे इन्होंने किया ये लिया तुझे दिया ओके। तो हम आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं इस घर के सबसे बड़े भाई के पास। ऑफकोर्स उनके देहांत हो चुका है तो उनकी मिसेस को इंट्रोडक्शन करेंगे और उनके बच्चों का इंट्रोडक्शन करेंगे। तो इस तरह से पहला भाई दूसरा भाई तीसरा भाई करके सातों भाइयों का इंट्रोडक्शन होगा और उनके बहुओं और उनके बेटे और ग्रैंड चिल्ड्रन का। पहली बार मैंने अपनी ज़िंदगी में मेरे पति को काम करते हुए देखा, वो भी एक टोप उठाया। आई होप अभी उसका कुछ दर्द नहीं हो, नहीं तो मेरी बैंड बजेगी पूरी रात, है ना। मेरा टांग दर्द हो रहा है, मेरा टांग दर्द हो रहा है, मेरे ये दर्द हो रहा है, मैंने आज पतीला उठाया। इसलिए मैं तुझे बोलता हूँ शादी मत कर। हाँ कैसा सो गाइस, ये सब लोग मुझे समझते हैं कि मैं सी हूँ सिरेजों का, सिरेजों का, पर इतना बड़ा सी नहीं हूँ
तो आज हम लोग बजाएंगे घूमट, डैडी गाएंगे घूमट का गाना. सो लेट्स सी, लेट्स गाएंगे ना. हजारों साल के में तो हमने दे दिया सरप्राइज मम्मी को. आज मम्मी का बर्थडे भी था और पोस की रसम भी थी, तो हमने सोचा लगे हाथों मम्मी का बर्थडे केक भी काट लें. तो मम्मी थोड़ा सा सरप्राइज थी बट बहुत ही ज़्यादा हैरान और शर्मा रही थी. फाइनली बोला भैया केक कट करो. अच्छा कट
एंड ऑफ द सेरेमनी। अब यहाँ पे हम आ गए हैं पोस्ट मांगने, मतलब कि जितना भी हमने काम किया है गाना गा गा के, डैडी ने भी टोकरी उठा ली है, बच्चे ने भी टोकरी उठा ली है। अब देखते हैं कि दूल्हा दुल्हन हमको कितने पैसे डालते हैं इस टोकरी में। इन अ मीनवाइल आप देख रहे हैं वहाँ पे सब औरतें चले गई हैं अपना ड्राई फ्रूट लेने के लिए, बट मैं अंदर नहीं जा सकी सिंस इट वॉज़ वेरी क्राउडेड। तो अब अंदर ढूंढ रहे हैं कबर्ड में ड्राई फ्रूट, तो देखते हैं कि बुआ लोग वो ड्राई फ्रूट ले पाते हैं कि नहीं। ने ले लिया है फाइनली, उन्होंने कबर से ड्राई फ्रूट निकाल ही लिया और ड्राई फ्रूट मिल ही गया, लड़कियों ने अचीव कर ही लिया। अब ड्राई फ्रूट ले लिया है तो अब ये ड्राई फ्रूट खोल के हम सबको बांटा जाएगा। सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वी आर बैक और अब हम देख रहे थे पोस्ट की रस्म, जिसमें कि हमने जो भी काम किया रहता है तो हम वो लड़के वाले से पैसा लेने जाते हैं। तो फिलहाल बुआ ने काफ़ी बैग किया, काफ़ी गाना गाया और ये बुआ आ रही है। देखते हैं कि बुआ से पूछते हैं कि बुआ को पैसा कितना मिला। तो आपको कितना पैसा मिला जरा ये टीवी में बताओ। 10,000 मिल गया। ओ ज़्यादा हो गए, 10 से ज़्यादा हो गए। सो फाइनली 10 से ज़्यादा हो गए तो हाँ कितना हुआ? क्या 200 रुपये तो ज़्यादा है, मेरे को लगा कि कुछ ज़्यादा लेंगे पर इन्होंने 10,200 लेके खैर हमारी बराबरी और 200 रुपये आगे दिया। तो इस तरह से हमारा रस्म हुआ और ये जो ये बुआ का चल है कबर से ढूंढने का और बाद में ये हम सबको अच्छी डेस्टिनेशन है। क्या बात कर रहे हैं? सो आज हमारे पार्टी में टोनी कुछ ज़्यादा इंग्लिश बोल रहा है तो अभी आ गया हमारा इंग्लिश स्पीकर। हाँ वो रहा बंदा। तो दोस्तों वी आर बैक। मैंने आपको रस्म बताई पोस की। पोस में क्या होता है कि इस दिन फिश बनती है, खाना होता है और जैसा दिखाया आपको कि दूल्हे के रिलेटिव्स क्लोज वन गाना गा गा के बताते हैं कि भाई हमने इतना काम किया 3 दिन आपकी शादी में तो हमारा कुछ इनाम बनता है। तो फिर दूल्हा या दुल्हन जो भी होते हैं खुशी से उनको कुछ अमाउंट देते हैं। अब ये अमाउंट जमा हो जाता है मेन पर्सन के पास, फिर वो डिसाइड करेगा कि हम सबको लेके वो कहाँ जाएगा। उतने पैसे में क्या होता है, क्या एक दिन हम रिजॉर्ट पिकनिक जा सकते हैं या कोई भी एक फंक्शन घूमने जाएंगे। तो देखते हैं क्या डिसाइड होता है। मिलते हैं आपको कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय एंड हे कुछ नहीं करना है, आपको एक उंगली उठानी है, लाइक करना है
शेयर करना है, और अगर आप मेरे इस चैनल में सब्सक्राइबर हैं तो कोशिश करिए कि और शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो क्या करना है, सब्सक्राइब करके सामने पड़ी घंटी को टन से बजा देने का है। सो गुड नाइट दोस्तों, सी यू टुमारो, बाय बाय। कजन्स लोग आते हैं इस दिन, क्या दूल्हा दूल्हे वाले, मतलब उन लोग क्या करते हैं।